शिवपुरी जिले के दिनारा में तीसरी लहर को देखते हुए दिनारा कस्बे में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को तीसरी लहर से बचाव के सुझाव दिए, जिसमें दिनारा थाना प्रभारी संतोष भार्गव ने अपने पुलिस स्टाफ के साथ बाजार में फ्लैग मार्च निकालकर दुकानदारों के साथ ग्राहक और राहगीरों को समझाया गया कि भीड़ भाड़ ना करें, मास्क लगाकर रखें, दुकानों पर मास्क सैनिटाइजर जरूर कराएं। और थाना प्रभारी संतोष भार्गव का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से कस्बे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला गया, साथ ही लोगों को मास्क भी बांटे गए, जिससे आने वाले समय में तीसरी लहर से बचा जा सके। एक जागरूकता टाइप की रैली हमने निकाली है, जिसमें हम लोग सबको भी जागरूक कर रहे हैं कि भाई हमारा यूपी से लगा हुआ बॉर्डर से है, अधिकतर हमारे यहाँ से ऑल इंडिया की गाड़ियाँ निकलती हैं, बाहर के बाहर आके रुकते हैं, सामान खरीदारी करते हैं। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आप लोग हर दुकान पर सैनिटाइजर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं, और सबको इसके लिए जागरूक भी करें कि हमें मास्क लगाना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे दिनारा में कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो। तो कहीं ना कहीं सर, तीसरी लहर को देखते हुए आपने जो निर्देश बताया है बहुत ही अच्छा दिशा निर्देश है, आप कर पालन करें। दूसरा, सभी मास्क लगाएं। एक जागरूकता टाइप की रैली हमने निकाली है, जिसमें हम लोग सबको भी जागरूक कर रहे हैं कि भाई हमारा यूपी से लगा हुआ बॉर्डर से है, अधिकतर हमारे यहाँ से ऑल इंडिया की गाड़ियाँ निकलती हैं, बाहर के बाहर आके रुकते हैं, सामान खरीदारी करते हैं। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आप लोग हर दुकान पर सैनिटाइजर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं, और सबको इसके लिए जागरूक भी करें कि हमें मास्क लगाना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे दिनारा में कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो।